सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो पुणे यूनिवर्सिटी के इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स एंड सेकंड ईयर स्टूडेंट्स के जो एंड सेम एग्जामिनेशन के टाइम टेबल्स है गाइज, ये कब तक रिलीज हो सकते हैं एंड एग्जामिनेशन के एक्सपेक्टेड डेट्स क्या हो सकती है, इसके ऊपर गाइज इस वीडियो में बात करूंगा एंड डिटेल में आपको सारी जो चीज़ है वो बताऊंगा। साथ ही मैं गाइज एंड सेम एग्जामिनेशन में पास होने के लिए एक बहुत ही अच्छी टिप दूंगा, जिसे अगर आप फॉलो करोगे तो मैं आपको श्योरिटी देता हूँ कि आप 100% जो है वो एंड सेम के सारे जो सब्जेक्ट्स है वो क्लियर कर पाओगे। तो वीडियो पूरा एंड तक देखते रहिए ताकि आपको सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो जाए। तो सबसे पहले गाइज एग्जामिनेशन टाइम टेबल्स एंड डेट्स के ऊपर जो है वो बात करते हैं। तो अगर आप अभी पुणे यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट चेक करोगे तो यहाँ पे जो अपडेट्स है गाइज टाइम टेबल्स के, वो थर्ड ईयर एंड फाइनल ईयर के जो है वो आए हैं एंड इनकी जो एग्जामिनेशन है गाइज वो एंड ऑफ नवंबर में जो है वो कंडक्ट की जाएगी, मतलब 29-30 नवंबर के बीच में। एंड इनके जो टाइम टेबल्स है वो आ चुके हैं। एक अच्छी बात है गाइज इस बार कि इंडिविजुअल सेमेस्टर की, बस एक ही सेमेस्टर की अगर आप एग्जाम दे रहे हो, जैसे आपका कोई भी बैकलॉग वगैरह नहीं है, तो फिर आपको एग्जामिनेशन में जो है वो गैप मिल रही है। तो थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर की जो एग्जामिनेशन है, इनके एग्जामिनेशन के बीच में जो है वो थोड़ी तो गैप है, तो इस बार पढ़ने का आपको मौका मिलेगा। नहीं तो इसके पहले तो एग्ज़ाम के बीच में गैप भी नहीं दी थी, तो उसमें काफ़ी मतलब टेंशन आ गया था, बट इस बार गैप्स है। तो हो सकता है कि फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर के एंड सेम के एग्जाम के टाइम टेबल भी हमें ऐसे कुछ देखने को मिले, जिसमें आपको अगर आप एक सेमेस्टर की एग्ज़ाम दे रहे हो, बस कोई बैकलॉग वगैरह नहीं है, तो आपको एक दो दिन का जो गैप है वो देखने को मिल सकता है, जो कि अच्छी बात है। ठीक है, अब गाइज आपके जो पेपर्स है वो कब कंडक्ट किए जाएंगे उसके ऊपर बात करते हैं। तो देखो गाइज, ये सर्कुलर जो है वो रिलीज़ हुआ था, ठीक है, 9 तारीख को, एंड इसमें बताया था कि जो प्रैक्टिकल डेट्स है वो क्या रहेगी स्टूडेंट्स के लिए। तो देखो गाइज 22 नवंबर एंड आप यहाँ पे देख सकते हो थर्ड ईयर एंड फाइनल ईयर 22 नवंबर लास्ट डेट थी प्रैक्टिकल की फाइनल ईयर एंड थर्ड ईयर स्टूडेंट्स की इंजीनियरिंग की। एंड इनकी जो एग्ज़ाम है वो 30 नवंबर से जो है गाइज वो अभी शुरू होने वाली है, ठीक है। एंड जो सेकेंड ईयर स्टूडेंट है गाइज, इनकी जो लास्ट डेट है प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन की वो है गाइज 18 दिसंबर, मतलब सेकेंड ईयर का 9 दिसंबर से लेके तो 18 दिसंबर के बीच में जो प्रैक्टिकल्स है वो रहने वाले हैं, एंड फिर उसके बाद जो एग्जामिनेशन है वो रहेगी, ठीक है। फर्स्ट ईयर का ऐसा कोई भी जो प्रैक्टिकल का शेड्यूल है वो रिलीज़ नहीं हुआ है, बट उनके भी जो डेट्स है वाइज वो इसके आसपास या थोड़ा एक दो हफ्ते जो है वो डिले हो सकता है। तो इसके अकॉर्डिंग गाइज जो सेकेंड ईयर के एग्जामिनेशन की डेट्स है गाइज़, वो हो सकता है कि एंड ऑफ डिसम्बर में आपकी जो एग्जामिनेशन है वो कंडक्ट की जाए। एंड हमेशा ऐसा देखने को मिलता है गाइज़ कि जो एग्जामिनेशन है सेकेंड ईयर एंड फर्स्ट ईयर की, ये न्यू ईयर के बीच में होती है, मतलब एक दो पेपर न्यू ईयर के पहले होते हैं एंड एक दो पेपर न्यू ईयर के बाद में होते हैं, मतलब जो 31 दिसंबर है वो भी एंजॉय करने नहीं मिलता है एंड 1 तारीख जो है वो भी एंजॉय करने नहीं मिलती, पेपर के टेंशन के बीच में चली जाती है। बट इस बार भी वैसा ही लग रहा है कि उस टाइप से सारी जो चीज़ें वो हो सकती है। अब प्रोबेबिलिटी तो वही है बिकॉज 18 दिसंबर से सेकेंड ईयर प्रैक्टिकल डेट लास्ट डेट है, एंड जैसे यहाँ पे हमें थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर में देखने को मिला कि जैसे 22 तारीख को खत्म हुए उसके 5-6 दिन बाद जो एग्जामिनेशन है वो कंडक्ट की जा रही है, वही हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब इसमें क्रिसमस की छुट्टियाँ भी आएगी एक दो, ठीक है, मतलब 25th को वहाँ पे मंडे आता है, तो फिर हो सकता है कि 26, 27 या फिर 28 के आसपास आपकी जो एग्जामिनेशन है वो स्टार्ट हो। अभी तक तो टाइम टेबल रिलीज नहीं हुआ है बट एक्सपेक्टेड डेट्स तो यही रहेगी, या फिर अगर आपको एक्स्ट्रा टाइम मिलता है तो फिर डायरेक्ट फिर न्यू ईयर के फर्स्ट जनवरी के फर्स्ट वीक में आपकी जो एग्जामिनेशन है वो होगी। बट मोस्ट प्रोबेबली 18 दिसंबर के बाद एग्जामिनेशन एक हफ्ते के बाद भी हो सकती है, या फिर अगर आपको एक्स्ट्रा टाइम मिलता है तो फिर पहले साल मतलब 2024 के फर्स्ट वीक में जो है वो जनवरी के एग्जाम कंडक्ट की जाएगी, ठीक है। तो थोड़ा टाइम अगर देता है तो बहुत बढ़िया, पहले तो प्रिपरेशन लीव भी मिलती थी, अभी तो पहले प्रैक्टिकल आ जाते हैं उसके बाद इमीडिएटली एग्जामिनेशन हो जाती है। वही फर्स्ट ईयर की मैं बात करूँ तो मैक्सिमम चांसेस लग रहे हैं कि 2024 में जनवरी में आपकी एग्जामिनेशन होने के मैक्सिमम जो चांसेस है गाइस वो लग रहे हैं, ठीक है। तो यही एक्सपेक्टेड डेट्स है, अगर कोई भी ऑफिशियल अपडेट आता है तो मैं आपको बता दूंगा। टाइम टेबल कब तक रिलीज हो सकता है इसकी बात मैं करूँ तो जनरली एग्जाम के 15 या फिर 20 दिन पहले जो टाइम टेबल है वो रिलीज़ हो जाते हैं। तो जैसे ही टाइम टेबल का अपडेट आएगा वैसे मैं आपको जो है वो अपडेट कर दूंगा, ठीक है। इसके अलावा आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पर भी आपको जो अपडेट्स है वो मिल जाएंगे। अब हम बात करते हैं इस प्रिपरेशन के ऊपर कि कैसे प्रिपेयर करें ताकि हमारा कोई भी बैकलॉग ना लगे, एंड बैकलॉग नहीं लगना चाहिए इसलिए भी मैं बोल रहा हूँ बिकॉज अभी के जो टाइम टेबल्स आते हैं ना वो बहुत खतरनाक होते हैं। अगर आपके बैकलॉग लग गए समझ लेना फिर आपको हर अल्टरनेट डे पे आपको एक एग्ज़ाम जो है वो देना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आप एक टाइम पे एक ही सेमेस्टर के एग्ज़ाम दे रहे हो तो बहुत बढ़िया है, बैकलॉग अगर नहीं है तो फिर आपका इंजीनियरिंग बहुत ही मतलब स्मूथली चला जाएगा। अब देखो टिप मेरे तरफ से यही है कि जनरली मैं यही बताता हूँ, बहुत सारी वीडियो में बताया है कि एग्जामिनेशन का जो टाइम टेबल है वो आने से पहले आपका हर सब्जेक्ट का एक एक यूनिट कम्प्लीट
कंप्लीट हो गया है, तो मैं आपको लिख के देता हूँ कि आप इजीली जो है वो पास हो जाओगे, फिर आपको कोई भी जो प्रॉब्लम है वो नहीं आएगा। बिकॉज जैसे एग्जामिनेशन की डेट्स आ जाती है, वैसे अगर आप प्रिपरेशन स्टार्ट करना शुरू करते हो तो फिर काफ़ी सारी चीज़ें करना पड़ता है, प्रैक्टिकल वगैरह भी रहते हैं एंड बहुत सारी चीज़ें रहती है। तो एग्जामिनेशन डेट्स आने के पहले एक यूनिट कर लो आप मैक्सिमम, मतलब जितने भी लोग ऐसा करेंगे सभी जो है वो ऑलमोस्ट पास हो जाएंगे। बिकॉज आपको पैटर्न भी पता है, चार यूनिट्स आते हैं, हर यूनिट का वेटेज एक तो 17 मार्क रहता है या फिर 18 मार्क रहता है। दो यूनिट भी अगर आप अच्छे से करते हो तो 28 का जो क्राइटेरिया है वो निकल जाता है। इनसे में अगर 12 के ऊपर हो गए तो आप इजीली जो है वो पास हो जाओगे। एक यूनिट अच्छे से हो गया मतलब वहाँ पे ऑलमोस्ट आपको 15 मार्क्स के आसपास जो है वो मिल ही जाएंगे अगर अच्छे से किया होगा तो। अगर थोड़ा बहुत भी किया है तब भी आपको जो है वो जब एग्जामिनेशन की आप अच्छे से प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे, मतलब उस टाइम बस एग्ज़ाम का ही प्रिपेयर करना और कुछ नहीं, तो उस टाइम गाइस आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होती है, आपको एक कॉन्फिडेंस भी आता है। बट अगर आप एंड टाइम पर पढ़ना शुरू करोगे, भले ही आपको चीज़ें आती हो, भले ही वो जो सब्जेक्ट है वो इजी हो, बट आपको जो टाइम है वो कम मिलेगा एंड ये जो सिचुएशन होती है वो बहुत मतलब थोड़ी टेंशन वाली होती है कि ये भी पढ़ना है वो भी पढ़ना है, तो जो इजी है वो भी छूट जाता है एंड जो टफ है वो तो फिर तो उसकी बात ही छोड़ दो, ठीक है। तो ऐसा मत करो कि कोई भी यूनिट है ये करो वो करो, पहले देखो कि कौन सा ईजी यूनिट है। ईजी यूनिट भी करोगे तब भी आपको पता है 17 या 18 का वेटेज तो रहेगा ही रहेगा, तो एक एक ईजी यूनिट निकाल लो सभी सब्जेक्ट में से एंड वो करके रख लो। जैसी डेट्स आती है प्रैक्टिकल निपटा के अपने एग्जामिनेशन प्रिपरेशन में लग जाओ, मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो है वो पास हो जाएंगे। कोई भी कोर्स या फिर कुछ चीज लेने की जरूरत नहीं, कॉलेज में अगर आपको सिखाते हैं सही से तो उसी से कई सारी चीजें आपको जो है वो मिल जाएगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के ऊपर अगर वीडियो चाहिए होगा तो बता देना, जैसे हमने इनसेम में बनाया था वैसा हम एनसेम में बना देंगे एंड जितने भी क्वेश्चन पेपर अवेलेबल होंगे वो भी मैं मेरे टेलीग्राम के ग्रुप पे या फिर ऐप पे डाल दूंगा, तो वहां से आप डाउनलोड कर पाओगे एंड ईजिली प्रिपेयर करो, आराम से निकल जाएगा। बट वही कि एकदम एंड टाइम पे प्रिपेयर करने जाओगे तो फिर प्रॉब्लम होगा, अगर पहले से प्रिपेयर करते हो तो कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं होगी, इजीली निकल जाएंगे। एक सेमेस्टर पूरा निकलेगा ना तो आपकी इंजीनियरिंग जो है वो और इजी लगने आपको लग जाएगी, बैकलॉग रहेंगे तो प्रॉब्लम्स आते ही रहेंगे एंड फिर इंटर्नशिप्स वगैरह मिलने में भी प्रॉब्लम होता है। फोर्थ ईयर में फिर वहाँ पे करंट बैकलॉग रहा तो फिर प्लेसमेंट में भी बैठने नहीं मिलेगा, जिसकी डिटेल्स मैंने बताई है, तो उसका ध्यान रखना। कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हो या फिर इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हो, जरूर ट्राई करूंगा कि सभी के क्वेश्चन के जो आंसर है वो दे दूँ, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, होप्स आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा एंड ऐसे वीडियोज़ के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना ताकि आपको टाइम पर सारे जो अपडेट्स है वो मिलते रहे।